हेलो फ्रेंड्स, गौरी स्टिचिंग कान्हा जी ड्रेस चैनल में आपका स्वागत है। ये देखिए, मैंने कान्हा जी की ड्रेस बनाई है। ये 4 और 5 नंबर कान्हा जी की ड्रेस है। देखिए आपको कैसी लगी, कमेंट में बताइएगा। ये देखिए, हमने ऊपर की चोली तैयार कर ली है और नीचे की तरफ एक चैन में दो दो डबल क्रोशे बना लिए हैं। एक रो हमने तैयार कर ली है। ये देखिए, 3 चैन लेंगे और जो ये देखिए इस तरह से एक बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से एक बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। ये देखिए हमारे 3 बैक पोस्ट डबल क्रोशिया हो गए। ये पहली रो में हमने एक चैन में दो दो डबल क्रोशिया बनाए थे और दूसरी रो में हमने 3 बैक डबल क्रोशिया बनाए हैं। और ये देखिए, ये फ्रंट डबल क्रोशिया हो गया। और ये देखिए, 2 डबल क्रोशिया बना दिए हमने। ये देखिए, 3 फ्रंट डबल क्रोशिया। ये देखिए, उसी तरह से ये रो को हम पूरा करेंगे। फिर से एक बैक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, नेक्स्ट एक बैक डबल क्रोशिया और ये 3 बैक डबल क्रोशिया हो गए हमारे। अब इस बार फिर से एक फ्रंट डबल क्रोशिया हो गया, 2 और ये 3 फ्रंट डबल क्रोशिया बना लिए हैं और 3 बैक डबल क्रोशिया। ये रो हम इसी तरह से तैयार करेंगे। ये देखिए, मैंने ये रो इसी तरह से तैयार कर ली। फिर से 3 चैन लेंगे और ये देखिए, जो हमारा बैक डबल क्रोशिया है हमारा इसी तरह से बैक डबल क्रोशिया बनाएंगे और जो 3रे नंबर का हमारा डबल क्रोशिया उसी में जाकर एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, जो फ्रंट है पहले में एक डबल क्रोशिया, दूसरे में भी एक डबल क्रोशिया और तीसरे में एक डबल क्रोशिया और इसी में हम एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, जो बैक डबल क्रोशिया है उन्हें बैक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, और जो 3रे नंबर का डबल क्रोशिया है उसमें हम 2 बैक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, इसी तरह से इस रो को अभी हम पूरा करेंगे। जिन बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। ये देखिए, हमने दूसरी रो भी इसी तरह से तैयार कर ली है। हम ये 3 के चैन में जाकर स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। फिर से 3 चैन लेंगे और ये बैक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, ये हमने 1 चैन में 2 डबल क्रोशिया बनाए थे तो ये 3 डबल क्रोशिया थी बैक, हमने 3 बना लिए हैं और चौथे में जा कर के 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसमें भी हम देखिए इस तरह से निकाल कर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना दें तो इसी तरह से हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे। देखिए, फिर ये फ्रंट डबल क्रोशिया हो गए, 2 हो गए और ये 3 डबल क्रोशिया हो गए और चौथे में जाकर फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे।
इसी तरह हमारे फंदे भी बढ़ते जाएंगे और ये डिज़ाइन भी बनता जाएगी। ये ड्रेस बनाना बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी बन जाती है। ये कान्हा जी की फ्रॉक टाइप ड्रेस है, ये देखिए। फिर से इसी तरह बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे और जो दो बनाए हैं उसमें जाकर लास्ट में दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए। इसी तरह से ये रो भी हम इस तरह से पूरी कर लेंगे। देखिए मैंने तीन रो तैयार कर ली है। उसके बाद हम यहाँ पर ये दूसरे कलर की ऊन जॉइंट करेंगे। ये देखिए तीन चैन लेंगे, ये देखिए इसे टाइट कर लेंगे इस तरह से। और जो हमारा बैक पोस्ट डबल क्रोशिया है उसे हम बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये देखिए इस तरह से। जो ये लास्ट में हमने दो डबल बैक पोस्ट बनाए हैं डबल क्रोशिया, लास्ट वाले में हम फिर से दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये देखिए। इसी में डालकर इसी तरह से जब आप बनाएंगे तो आपसे इसी तरह बनता चला जाएगा। ये देखिए वे फ्रंट डबल क्रोशिया बनाए हैं इसी तरह से। जो फ्रंट डबल क्रोशिया है उसमें लास्ट वाले में जाकर दो फ्रंट डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये देखिए इस तरह से। इसमें हम दो, ये देखिए इसी तरह से इस रो को भी पूरा कर लेंगे। ये जिस तरह मैंने बनाया हुआ है ये हमारी पूरी हो चुकी है। इसके बाद से ये देखिए एक दो तीन चार पांच चैन लेंगे और ये देखिए एक दो तीन चार चैन, तीन चैन छोड़कर चौथे चैन में जाकर ये देखिए स्लिप स्टिच करेंगे। फिर से तीन चार पांच चैन लेंगे और चार चैन चौथे चैन में जाकर स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। देखिए इसी तरह से हमें ये राउंड पूरा करना है। पांच चैन बनाएंगे और चौथे चैन में जाकर ये देखिए यहाँ पर अगर दो या तीन चैन कम या ज़्यादा हो तो वहीं पर एक चैन कम ले लेंगे, ये देखिए इसी तरह से एडजस्ट कर लेंगे हम। ये मैंने इसी तरह पूरा राउंड तैयार कर लिया है, देखिए। ये हम दूसरे कलर की ऊन लेंगे यहाँ पर, फिर से यहाँ पर नया डिज़ाइन निकालेंगे, ये देखिए। तीन चैन लेंगे और इसी होल में ये देखिए एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, देख तीन की चैन हो गई, ये देखिए चार हो गई और ये पांच डबल क्रोशिया, ये देखिए। जो तीन की चैन है लास्ट की उसमें डालकर इस तरह से देखिए इसको बांध देंगे। फिर पांच चैन लेंगे और इसी होल में जाकर फिर से इसी तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये देखिए एक डबल क्रोशिया बना लिया, दो तीन चार, ये देखिए और ये पांच, ये पांच डबल क्रोशिया बना लिए। और फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया में जाकर देखिए इस तरह से इसे भी बांध देंगे, ये देखिए तीन चार, चार चैन लेंगे और यहाँ पर देखिए जो हमने चार की चैन बनाई है उसमें जाकर स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे और फिर से चार चैन लेंगे और
नेक्स्ट होल में जा कर के सिंगल क्रोशे से जॉइंट करेंगे। फिर से देखिए, चार चैन लेंगे और यहाँ पर जाकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ध्यान से देखिएगा, ये देखिए, फिर से पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे इस होल में जाकर। और देखिए अब लास्ट वाले डबल क्रोशिया में जाकर इसको इस तरह से बांध देंगे और फिर पांच चैन लेंगे और इसी होल में जाकर फिर से पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इसी तरह से ये पूरी डिज़ाइन हमने बना ली है, ये देखिए। आप फिर से ये दूसरे कलर की ऊन लेंगे, यहाँ पर देखिए तीन चैन ली है और इसी होल में दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस और ये ग्यारह। इस होल में हमने ग्यारह डबल क्रोशिया बनाए हैं और देखिए तीन चैन लेंगे और यहाँ पर जाकर सिंगल क्रोशे से जॉइंट करेंगे। फिर से चार चैन लेंगे और यहाँ पर आकर सिंगल क्रोशे से जॉइंट करेंगे। ये देखिए तीन चार चैन लेने के बाद फिर से इस होल में इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाया, दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस और ग्यारह। ये देखिए इसी तरह से तीन चैन लेंगे और यहाँ पर जाकर सिंगल क्रोशे से जॉइंट करेंगे। फिर से चार चैन लेंगे और यहाँ पर जाकर सिंगल क्रोशे से, ये देखिए फिर से ये इसी तरह से, सॉरी ये गलत हो गया, ये देखिए इस तरह से यहाँ पर आकर तीन की चैन लेकर फिर चार चैन बनाए। फिर से तीन चैन लेंगे और यहाँ पर आकर फिर से ग्यारह डबल क्रोशिया बनाने हैं हमें। इसी तरह से ये पूरा डिज़ाइन बनकर तैयार होगा। ये देखिए मैंने ये डिज़ाइन पूरा कर लिया है, ये देखिए लास्ट में आकर ये तीन चैन लेकर यहाँ पर इसे हम जॉइंट करेंगे, ये देखिए इस तरह से। अब ये मैंने दूसरी कलर की ऊन दी है, ये देखिए यहाँ पर मैंने एक सिंगल क्रोशिया बनाया है और यहाँ पर भी एक सिंगल क्रोशिया बनाकर तीन चैन लेंगे और देखिए इस तरह से इसे बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चैन में ये देखिए एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उससे अगली में फिर से ये देखिए फिर तीन चैन लेंगे और जो सिंगल क्रोशिया बनाया है देखिए इस तरह से डालकर इस तरह से डिजाइन बनाएंगे। ये देखिए पहली चैन में सिंगल डबल क्रोशिया और फिर से सिंगल क्रोशिया बनाकर तीन चैन लेंगे और इस तरह से देखिए हम सारे फूलों पर डिजाइन बनाएंगे। ये देखिए तीन चैन लेकर सिंगल क्रोशे जो बनाया है उसमें से निकाल कर इस तरह से बनाएंगे। देखिए एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे और फिर से सिंगल क्रोशे बनाकर तीन चैन लेंगे। ये देखिए
ये दो पूरी इसी तरह से हम तैयार करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हम देखिए तीन चैन लेंगे, ये देखिए तीन चैन लेने के बाद देखिए यहाँ पर हमने इसे बांध दिया है, और यहाँ पर चार चैन लेने के बाद यहाँ से देखिए इस तरह से यहाँ पर बांधेंगे, और फिर से फर्स्ट चैन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरी में जाकर फिर से तीन चैन लेंगे, और इसी तरह से ये डिज़ाइन हम तैयार करेंगे। ये देखिए इसी तरह से ये पूरा डिज़ाइन बनकर आएगा। कान्हा जी की ये ड्रेस बनकर बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, और इसे बनाना बहुत ही आसान है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में बताइएगा। ये देखिए ड्रेस आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, और राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। ये देखिए कान्हा जी की कॉलर वाली फ्रॉक। ये देखिए, थैंक यू फॉर